एक चौक बनेगा जिस चौक का नाम होगा महाराणा प्रताप चौक। आज के ब्लॉग में यार आपको देखने को मिलेगा सेक्टर 32 का पहला पावर हाउस, उसका क्या काम चल गया है वो देखने को मिलेगा। और येडा के, जब आप येडा आओगे, आगरा से आओगे या दिल्ली एनसीआर से आओगे, जहाँ से भी आओगे, वो कट देखने को मिलेंगे आपको। कट किस नाम से मिलेंगे? फलेदा के नाम से मिलेंगे। और इस वाले में ज़्यादातर आपको पावर हाउस ही देखने को मिलेगा, कौन सा पावर हाउस बन गया है, कितना काम हो गया है उसका। जिस भाई ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली से आना है, उसके लिए ये कट है फलेदा कट, येडा में आने के लिए। और इस कट से जाके सामने दो बोर्ड लगे हुए हैं, एक बोर्ड वो लग रहा है सेक्टर 32 और 29 का, और एक बड़ा बोर्ड वो लग रहा है। जूस वाला अंकल आएगा बीच में, कहाँ गया बोर्ड, बोर्ड ही खो, ये रहा बोर्ड, सेक्टर 33 और 28 यू बोर्ड है। बाकी डंपर जा रहा हूँ, मिट्टी लेके जा, पता ना कहाँ जा रहा हूँ। और जो भाई आगरा थे आवेगो, या हाईवे के साइड में कट है दूसरा, जो आगरा से आएंगे या लखनऊ से आएंगे, वाराणसी से आएंगे, इधर की साइड से जो भी आएंगे, बिहार साइड, वो आगरा से चढ़ेंगे और फलेदा कट इसके साइड में है दूसरा वाला कट, वहाँ से उतरेंगे और येडा के लिए ये रास्ता है, ये फ्लाईओवर आएगा, उस फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद में येडा में चले जाएंगे जहाँ से हम अभी आए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये भैया बताने वाले हैं कि इसका मेन पर्पज़ क्या होगा और कितने के बी का ये घर बन रहा है। भैया कितने के बी का बन रहा है ये? ये 220 केवी का बन रहा है सर। 220 केवी का पावर हाउस बन रहा है ये? जी, पावर ग्रिड है ये। पावर ग्रिड, हाँ, UPPTCL का। कमर्शियल यूज होगा इसका? हाँ, कमर्शियल ये यूज होगा, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल दोनों यूज होंगे। दोनों यूज होंगे। ये एक्चुअली में क्या है कि ये 220 केवी ये लाइन लेगा, हाँ, इनकमिंग, फिर ये आउटगोइंग देगा उसी को, ठीक है। उसके बाद ये 220 केवी से ये 33 केवी में कन्वर्ट कर लेगा, 33 केवी बना करके 11 केवी ये दूसरे पावर ग्रिड को दे देगा। ये एक पावर ग्रिड बन रहा है वहाँ पे, पावर हाउस बन रहा है दूसरा, जिसको बोल रहे हैं जो बन रहा है छोटा वाला, वो है 11 केवी वाला, वो 11 केवी वाला इसको ये जेवर एयरपोर्ट को दे देगा, जेवर एयरपोर्ट अपना वो यूज करेगा। तो जेवर एयरपोर्ट के लिए तो एक पर्सनली पावर हाउस बन रहा होगा ना? ये यही है स्पेशल, ये इसी से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इसी से पावर से जी डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा। इसी से 200 इंडस्ट्रियल के लिए भी है और एयरपोर्ट के लिए भी जाएगा। तो आप इसको बना के छोड़ दोगे या इसमें बाद बनने के बाद भी काम करोगे यहाँ पे? कि आप बना के हम हैंड ओवर कर देंगे UPPCL को। UPPCL को बना के हैंड ओवर कर देंगे, हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा, और दूसरा इसमें जो है एक 220 है और 33 भी है और 132 भी फ्यूचर में आने वाला है, इंजेक्शन होगा इसी यहीं पे होगा, यहीं पे होगा 132 इसका एक्सपेंशन होगा फ्यूचर में। अच्छा, UPPCL जैसे गवर्नमेंट काम है ये, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट काम को करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है, या कुछ मटेरियल टाइम पे नहीं आता है, सप्लाई टाइम पे नहीं होती है, तो ऐसी कोई दिक्कत? सब कुछ है, टाइमली सब कुछ है। तो PCL ने कुछ आपको टारगेट दिया है इसको ख़त्म करने का, या इस टाइम काम के हिसाब से? ये दिया था कि इसको चार्ज में चार्जिंग करना था दिसंबर में, हाँ, मगर अभी आगे से इनका कुछ काम कोरोना के लेकर के बंद पड़ा है, इसकी वजह से दिसंबर में चार्जिंग नहीं हो पाई। वो पेंडेमिक का तो हर किसी के ऊपर असर पड़ा है, हर कोई काम डिले हुआ है मतलब। बाकी इसका सप्लाई मतलब इंडस्ट्री जो बनेंगी, हाँ, इंडस्ट्रियल के लिए है और एयरपोर्ट के लिए है, और यहाँ पर जो है कमर्शियल जो भी होगा उनके सप्लाई, कमर्शियल सप्लाई हो जाएगी इससे। बाकी कुछ ये जो मशीनरी रखी है इसके बारे में बताओगे? हाँ, मशीनरी बताइए। सामने वाली मशीन GIS है, हाँ, ये GIS है, हाँ, ये 5 GIS है और हमारा 160 MVA का ट्रांसफार्मर है, वो जो वो ट्रांसफार्मर सामने रखा हुआ है जो भैया बता रहे हैं, 160 MVA। अच्छा, MVA का मतलब उनका कुछ मतलब वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वो करंट को कम करेगा, 220 के भी लेगा। अच्छा, वो ऑटोमेटिक है वो, मतलब हाई लेगा लो कर देगा, लो लेगा हाई कर देगा। वो सामने ये क्या रखा हुआ है, पैनल है ये भी? पैनल। लग गई है यहाँ पे, फ्लोर फिनिशिंग हो गई है, बस सप्लाई का और इसमें विंडो वगैरह लग नहीं रहना है ना, गेट वगैरह। ये क्या है यहाँ पे?
ये रिकॉर्ड रूम है, यहाँ पे कुछ मशीन भी रखी है वेल्डिंग वाली। ये क्या देख भी सकते हैं इनके, उनका खिड़की दी हुई है यहाँ पर उनके लिए। ये कौन सा रूम है, ये बाथरूम वगैरह है? ये बाथरूम है, टॉयलेट बाथरूम। तो यहाँ पे जेई ए ही रहेगा या जेई रहेगा, मतलब एसजीओ रहेगा, उसके बगल में जेई, और सामने असिस्टेंट, उसमें असिस्टेंट इंजीनियर है। और ये जो सामने जो मशीन रखी हुई है, ये उसका जीआईएस मशीन है, इसका कैपेसिटर के तौर पे, जैसे कि ज्यादा करंट हो गया फिर भी ये अपने अंदर रखेगा, हाँ? और कम रहेगा तो ये अपना पूर्ति करके उसको देगा, कंट्रोल करेगा। सामने वो सिलेंडर रखे हुए हैं कुछ ब्लैक कलर, वो उसका वो सीवीटी मटेरियल है जो एक दूसरे से लाइन से कनेक्ट रहेगा, जो आपको ऑपरेटिंग करने में उसको आपको सिग्नल देते रहेगा वो। तो मतलब ऑटोमेटिक रहने वाला है, मैनुअल इसमें बहुत कम रहेगा। हाइब्रिड है ये, सब स्पेशल हाइब्रिड। अच्छा, ये कंट्रोल सिस्टम है पूरा, ही कंट्रोल रूम से ऑपरेटिंग हो जाएगा ये। तो ये सामने कुछ ऑफिस बने हुए हैं, ये स्टोर ऑफिस है, ये और हम ये कंट्रोल कर रहे हैं, ये कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम दिखा देता हूँ मैं आपको, मशीनें यहाँ पे रखी हुई है, दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, ये पूरा स्कैडर रूम है ना भैया। ये सेवल ट्रेन है। अच्छा, यहीं से सेवल जाएगा, हाँ? 220 में जाएगा, हाँ? और 33 में जाएगा, हाँ? ये 220 है, हाँ? तो ट्रांसफार्मर का इस साइड में 33 है। अच्छा, वो लाइन जो है आपका 132 पेपर के लिए है। अच्छा, यहाँ पर इसको फ्रिज रखा हुआ है। तो आपने ये जो लेबर वगैरह काम कर रही है, आपके थ्रू ही कर रही है? हाँ, हमारे थ्रू है, पूरा आपने लिया है। किस कंपनी के थ्रू लिया है आपने पूरा? ये सलासार कंपनी है। अच्छा, सलासार से हमारा ग्रुप DIPL लिया, ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड लिया। सलासार तो बहुत बड़ा ग्रुप है। हाँ, सलासार ग्रुप UPPCL से सलासार ने लिया है, और सलासार ने जो है ग्रुप को दिया, ग्रुप अच्छा थर्ड पार्टी है, मतलब सलासार ने लेके ग्रुप को दिया है, बैक टू बैक। तो आपकी रिपोर्टिंग पूरी ग्रुप को होती है, ग्रुप सलासार का, सलासार PCL को करता है। कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है लगभग? 77 हाँ, लगभग 77 या 80 करोड़ के आसपास का पूरा प्रोजेक्ट है। फाउंडेशन होती है ना, शेयर फाउंडेशन, कंबाइंड फाउंडेशन, सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। तो ज़्यादा डीप फाउंडेशन तो नहीं है, लेकिन ये